फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में एमसीबी स्विच के बारे में कुछ जानकारी शेयर करूँगा। एमसीबी स्विच लगाने के बाद कोई भी शॉर्ट सर्किट यदि होती है तो हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। कई लोगों का मानना है कि इस पर इसको लगा देने से आपको करंट नहीं मारता, बट ये बिल्कुल गलत है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो, जानते हैं एमसीबी का कनेक्शन कैसे करेंगे। तो ये है एमसीबी स्विच। दो एमसीबी का उपयोग करना चाहिए, प्लस और माइनस दोनों पे। यदि एमसीबी स्विच मेन स्विच में हम लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आता है। किसी भी प्रकार का शॉर्ट सर्किट होने के बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसके प्रेजेंट में कुछ भी सामान खराब होने का चांसेस बहुत कम होता है, जैसे वायरिंग वगैरह जल जाना। आपको SI मार्क MCB ही लेना चाहिए, चूँकि ISI मार्क अच्छी MCB होने का प्रमाण रहेगा। बाकी आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो। ये 150 से 200 रुपया में मार्केट में उपलब्ध है। ये देखिए, जब हम इसको ऊपर करते हैं तो ये प्लस ये ऑन होता है और नीचे करने के बाद ऑफ होता है। ये उल्टा काम करता है। और इसमें आप किधर से भी कनेक्शन दे सकते हो, बट यदि आप ऑफ साइड के नीचे साइड से कनेक्शन दो तो ज़्यादा बेटर है। बट ये सिर्फ करंट को क्रॉस करता है, तो आप किधर से भी कनेक्शन दोगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये देखो, इसमें दो वायर लगती है, एक साइड से हम इन करेंगे, दूसरे साइड से करंट आउट करेंगे, बस। और कहीं भी यदि ओवरलोड की समस्या आएगी तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा। ये MCB का बॉक्स आजकल बहुत ही अच्छा हो गया है, आसानी के साथ हमें फिट करना आसान हो गया है इसमें। ये प्लास्टिक का बॉक्स आपको मार्केट में उपलब्ध है। ये ख़ासतौर से MCB को फिट करने के लिए आता है। एक या दो MCB आप इसमें फिट कर सकते हो, इससे ज़्यादा का भी आपको मिल जाएगा मार्केट में। इसमें हम लोग क्लिपिंग के जरिए फिट करते हैं, कोई नट बोल्ट नहीं लगता है। ये देखिए, बहुत ही आसानी से फिट जाता है इसमें। ये इसी तरह इस पर पुश करेंगे और ये बैठ जाएगा। ये देखो दोस्तों, ये वीडियो हमने बिना किसी कट का बनाया है, बट सही जानकारी के लिए आपको, वीडियो में अक्सर बिना कट का ही बनाता हूँ। ये फिट हो गया। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करो सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये इस तरह से फिट होता है, और ये दो नट है जिसे हम लोग फिट करने के लिए यूज करते हैं, और नीचे का नट हम बोर्ड में इसके सेट करने के लिए करते हैं, या फिर आप सीधे से दीवार में सेट कर सकते हो। ये देखिए, ऑफ कंडीशन हो गया। दोनों स्विच अलग अलग कंपनी का है, तो एक साथ इसका स्विच का बटन नहीं आ रहा है, बट इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो आइए जानते हैं डायग्राम के जरिए कि इसका कनेक्शन हम लोग कैसे करते हैं, ताकि आपको आसानी से इसके बारे में जानकारी हो सके। ये दो लकीर हम खींच रहे हैं, ये देख लो, ये AC in, ये AC in हो गया। यहाँ से हम लोग 220 वोल्ट इन करेंगे। और यहाँ पे हम लोग MCB स्विच लगाएंगे। ये MCB स्विच का सिंबल है। ये देखो, ये इस तरह से बीच में MCB लगाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में प्लस और माइनस दोनों हम लोग MCB में दे देते हैं और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें प्लस या फिर माइनस एक ही करंट देना है, इन और आउट एक ही देना है। सप्लाई आउट यहाँ से हम लोग लेंगे, दो स्विच लगाएंगे और आउटपुट जो दो वायर निकलेगी उस पर हम लोग पूरे घर का वायरिंग का लोड दे देंगे। यहाँ से इन होगा और यहाँ से आउट होगा। ये देख लो, ये स्विच का कनेक्टिंग पॉइंट, ये इस तरह से फिट करेंगे। बहुत ईजी है।
एमसीबी का स्विच करने में कुछ स्विच कनेक्शन में कुछ भी नहीं करना है आपको, किसी भी पॉइंट पे इन करो, किसी भी पॉइंट से आउट करो। ये एक मैं और डायग्राम बनाता हूँ, ये हो गया, मान लो इसे एमसीबी है, ये मैंने इसमें एमसीबी लिख भी दिया है, ये एमसीबी और ये आउट। एक साइड से आपको इन करना है, दूसरे साइड से आउट करना है। कई जगह पे देखा जाता है कि एक एमसीबी का उपयोग किया जाता है सिर्फ प्लस पे, बट अगर आप दोनों करंट पे यूज करते हो तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट होगी तो पूरे घर का वायरिंग जल जाएगा, बट अगर एमसीबी रहेगा तो बहुत सारे कंपोनेंट की सेफ्टी हो जाएगी। ये हो गया आउट, बहुत ही ईजी है। एक बार फिर से आप लोग देख लो। दोस्तों अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं इसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। चलिए अब इसको देखते हैं कि फिट कैसे किया जाए। इसके लिए हम लोग दो छोटा तार ले रहे हैं, मैं सिर्फ इसका डेमो दूंगा कैसे इसे फिट करना है। ये देखिए रेड वायर ले रहे हैं प्लस के लिए, दोस्तों अगर आपको इलेक्ट्रिकल्स के बारे में जानकारी नहीं है तो आप करंट का काम ना ही करो, क्योंकि ये काफ़ी रिक्सी हो जाएगा अगर आपको जानकारी नहीं है तो। और इसे कस देंगे, काफ़ी अच्छा कनेक्टिंग पॉइंट रहता है, बहुत ही टाइट इस पर हम लोग कस सकते हैं। इसका टर्मिनल जो है टाइट करने वाला वो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि यदि यहाँ पे लूज कांटेक्ट होगा तो शॉर्ट सर्किट होगी, और लूज कनेक्शन के कारण हमारा एमसीबी गर्म होके ख़राब भी हो जाएगा। तो हमें वायर को पूरे अच्छे से टाइट करना है, और अगर वायर थोड़ा भी पुराना हो तो उसे आप ट्विस्ट कर लो ब्लेड वगैरह से घस के। ये हो गया, काफ़ी सॉलिड टाइट होता है ये। और ये सेकेंड एमसीबी में हम लोग ये ब्लू वायर लगाएंगे माइनस के लिए। इसे भी अच्छे से कस लेंगे। एमसीबी का नट पे हमें ख़ास तौर से ध्यान देना है कि वो लूज ना हो, क्योंकि सारा लोड इस पे ही रहेगा। इसे अच्छे से कस देना है, जितना भी टाइट हो सके कर देंगे, क्योंकि इसका नट भी बहुत अच्छा क्वालिटी का रहता है, तो बाद में जब भी खोलना चाहेंगे तो ये आराम से खुलेगा। ये देखिए, चलिए अब एक बार इसमें देखते हैं करंट देके। ये हो गया, इसको इसमें फिट ही कर देते हैं। इसमें फिट कर देते हैं ताकि ये खड़ा रहे अच्छे से, और इस पर हम लोग कुछ लोड देके भी देखेंगे। कई लोगों को ये भ्रांति होती है कि इसमें प्लस और माइनस का कनेक्शन के लिए कुछ स्पेशल पॉइंट रहता है, बट ऐसा नहीं है, आप किसी में भी प्लस माइनस दे सकते हो। बट प्रयास करो कि नीचे के पॉइंट में हमें करंट इन करना है और ऊपर से आउट कर लेना है, जैसे हम लोग मेन स्विच में करते हैं। मैंने मेन स्विच का भी कनेक्शन के बारे में वीडियो बनाया है, आप ज़रूर देखो वीडियो, मेन स्विच का कनेक्शन कैसे करते हैं। बोर्ड कटिंग के बारे में भी हमने वीडियो बनाया है, तो आप ज़रूर देखो दोस्तों अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो। चलिए इसमें करंट दे के देखते हैं कि करंट कैसे आउट होगा। ये इस बोर्ड में 220 वोल्ट इन है, तो ये हो गया करंट इन हमने कर दिया है। अब ये
इसमें करंट दे दिया है, अब देखता हूँ ऑन करके कि ये जल रहा है क्या नहीं। ये देखिए जल गया, इसे ऑफ करेंगे। क्योंकि हमने बिना होल्डर का ही चेक कर रहा हूँ तो ये हिल रहा है। यहाँ से मिस कर रहा था, ये देखिए ये बल्ब जल रहा है। हम इस पर 30 एम्पीयर तक का लोड दे सकते हैं। ये देखो एक भी स्विच यदि हम ऑफ़ करते हैं तो ये हमारा ऑफ़ हो जाता है, बट यदि 2 MCB रहेगा तो प्लस और माइनस दोनों स्विचिंग होगा, यानी दोनों ऑफ़ और दोनों एक साथ ऑन होगा तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। दोस्तों आपको कोई भी सवाल यदि हो आपके मन में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।